रहने वाले देव मुरारी बापू को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके आवास से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए 2 बजे आत्महत्या करने की धमकी दी थी। उसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और लगातार दबिश दे रही थी। अंततः उनको उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस महकमे ने दल बल के साथ पहुंचकर दबिश दी थी। मुरारी बापू के ऊपर 2 दिन पूर्व ही एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और चौथ वसूली का आरोप लगाया था, जिसके तहत आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने उनको थाने में पूछताछ कर रही है लगातार और जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये मुद्दा आया क्यों है और क्यों इसके पीछे क्या कारण है। आप भाई, मेरा जो 6 दिसंबर का कार सेवाओं पद यात्रा घोषणा था, उसके चलते मीडिया में काफ़ी हाईलाइट था और सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब लगातार दबाव मेरे ऊपर बना रहे थे कि आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ना करें। मैंने कोऑपरेट भी किया और मैंने ये बता दिया था कि जैसा आप चाहेंगे शांतिपूर्वक ये 6 दिसंबर का कार्यक्रम, मुझे हाउस अरेस्ट करना चाहे या जेल भेजना चाहे, जो धारा लगा, मैं तैयार था। लेकिन इसी बीच मुझे इतना प्रेशराइज किया गया, इतना दबाव डाला गया और 29 नवंबर को एक महिला जो हमारे पड़ोसी हैं पिंकी द्विवेदी, उनकी तरफ से जिसमें छेड़खानी, रुपया वसूली और जान से मारने की धमकी आदि 8 धाराओं में मेरे ऊपर गंभीर मुकदमा किया गया। मैंने उनसे बात की, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे प्रेम संबंध हैं, तो मैंने कहा आपने ये क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा मैंने आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि गौरव गौतम और सौरभ गौतम पे कार्रवाई कर दो। लेकिन